प्रिय विद्यार्थियों, RCI एज हब बानसुर की ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम फिजिक्स में चैप्टर दूसरा पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हमारा टॉपिक वही है विमा, क्योंकि बहुत ही लंबा टॉपिक है और हमें इसको समझना ज़रूरी है। विमा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डायमेंशन, हमने इसे पहले लगभग 10 या 12 विमा हम पढ़ चुके हैं। हम इसको आगे बढ़ाते हैं विमाओं को, तो पुनः हम एक टेबल बनाते हैं, इनको चार पार्ट में इसको डिवाइड कर लेते हैं। जैसे इस प्रकार देखिए आप, ऐसे चार पार्ट हम इसका कर लेते हैं विमाओं के लिए, चार कॉलम डिवाइड कर लेते हैं इस प्रकार से। फर्स्ट कॉलम में हम लिख देंगे यहाँ भौतिक राशियाँ, भौतिक राशियाँ। यहाँ आ जाएगा भौतिक राशियों में संबंध, और यहाँ आ जाएगा विमीय सूत्र, और यहाँ आ जाएगा SI मात्रक। हमने विद्युत धारा तक विमा हम पढ़ चुके हैं इससे पहले वाली वीडियो में। अब हम पढ़ते हैं, इसमें विमा निकालते हैं। प्रतिरोध की प्रतिरोध जो होता है वो होता है, अगर हम ओम का नियम देखें तो विभांतर बटे विद्युत धारा, ये स्तर होता है प्रतिरोध का। प्रतिरोध R बराबर होता है विभांतर बटे विद्युत धारा। अब हम धारक विमा पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ आ गया विभांतर। चलो इससे पहले हम इसकी विमा निकालते हैं विभांतर की पहले, और फिर इसको सोल्व कर लेंगे। देखिए विभांतर जो होता है, विभांतर विभव कहो या विभांतर एक ही बात है, विभांतर ये होता है कार्य बटा आवेश, यानी V बराबर सूत्र इसका होता है W अपॉन Q, कार्य बटा आवेश, ये इसका सूत्र होता है, इसका फॉर्मूला होता है क्या, कार्य बटा आवेश। जो कार्य है, हम विमा इसकी पढ़ चुके हैं कार्य की पहले, जो क्या होती है M1 L2 T-2, ये कार्य विमा होती है, बटे समय बटे सॉरी आवेश। आवेश में क्या होती है, A1 और T1 होती है, A1 T1। हम इसको सोल्व कर लेंगे। देखो ऊपर क्या है M1, तो M1 क्या रहेगा, M1 रहेगा M1 का, तो और देखो L2 सिंगल है तो L2 का रहेगा L2, तो यहाँ T-2 है, और ये T1 कहाँ है, इसके बटे में है, डिवाइड में है। जैसे ही T1 ऊपर आएगा तो हम जानते हैं इसकी पावर भी क्या हो जाएगी, माइनस में, तो T-2 और ये T-1 क्या हो जाएगा, T-3 हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, देखो M1 L2 T-3, और देखो A1 ऊपर आएगा, A1 नीचे है, A1 कहाँ है, नीचे, इसकी पावर कितनी है भाई, 1 है। जैसे ही ऊपर आएगा पावर क्या हो जाएगी, माइनस में है, तो ये भी क्या हो जाएगा, A-1। अगर हम इसकी मात्रा की बात करें तो भाई वोल्ट, जी हाँ वोल्ट इसका मात्रक होता है विभांतर का। अब देखिए अब इससे आधार पे आप आराम से, यानी आप इसकी हेल्प से आराम से प्रतिरोध भी निकाल सकते हो।
अब यहाँ रखो विभवांतर की विमा जो क्या होती है, ये यहाँ इसमें लिख दो एम वन एल टू और टी माइनस थ्री और ए माइनस वन, ये होती है विभवांतर विमा। बटे में धारा, धारा के लिए हम ए वन यूज करते हैं, ए वन। अब देखो आप ऊपर केवल M1 है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, M1 आ जाएगा। L2 सिंगल है, L2 का L2 रहेगा। T-3 भी सिंगल है, T-3 रहेगा। लेकिन देखो ऊपर पहले से A-1 है और नीचे भी A1 है, ये ऊपर जा पावर क्या हो जाएगी माइनस में, ये हो जाएगा A-2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगी, A-2 हो जाएगा। तो इस तरह से M1, L2, T-3, A-2 होगी विमा प्रतिरोध की। और जिसका मात्रक जो होता है वो क्या होता है, ओम। ओम इसका मात्रक होता है। हम इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट में प्रतिरोध हो गया, विभवांतर हो गया। आगे हम बात करते हैं धारिता की। धारिता, जो धारिता होती है, अब ये दो ट्वेल्थ की, ये हमने पहले बेसिक है, ये तो अपना आप टेंथ में पढ़ा होगा, यहाँ तक टेंथ लेवल की बात आती है। और हम आगे हम अब थोड़ा ट्वेल्थ लेवल की बात करते हैं, क्योंकि विमाओं में टेंथ इलेवंथ की विमा भी हैं शामिल, जो राशियाँ हैं ट्वेल्थ की भी हैं। अब है धारिता, क्या है धारिता। धारिता बराबर होता है, यानी सी जो है इसका, सी इसका होता है प्रतीक चिन्ह, धारिता बराबर होता है क्यू अपॉन वी, आवेश बटा विभवांतर विभव। ई विमा होती है इसकी, सॉरी सूत्र होता है इसका, फॉर्मूला होता है धारिता सी बराबर होता है आवेश बटा विभव। तो आवेश विमा क्या होती है, ए वन टी वन हम पढ़ चुके हैं, नीच लगा देंगे विभव विभवांतर विमा, जो क्या होती है एम वन एल टू टी माइनस थ्री और ए माइनस वन, ए माइनस वन। और हम इसको सोल्व कर लेंगे। देखो अब, देखो अब उप एम वन नीचे है बटे में है, ऊपर जाएगा इसकी पावर क्या हो जाएगी माइनस में, यानी एम माइनस वन। देखो L2 पर जाएगा, L2 भी क्या हो जाएगा L-2। और देखो T-3 पावर नीचे ऊपर जाएगी, पावर क्या हो जाएगी प्लस की, तो T की पावर तीन और एक चार, T क्या हो जाएगा फोर, और A भी क्या हो जाएगा A2। इसका ये इसकी विमा होगी। और जो धारिता है इसका मात्र क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति, कूलाम प्रति वोल्ट इसका मात्र हो जाएगा, इसका मात्र फेरेड भी होता है। तो ये कुछ बेसिक हैं विमाएं हैं, प्रतिरोध हो गया, विभवांतर हो गया, विभव हो गया। आगे हम बात करते हैं अब आगे बल आघूर्ण की। बल आघूर्ण तो इसका होता है प्रतीक चिन्ह, ये होता है बल गुणा दूरी, बहुत आसान है, बल गुणा दूरी, ठीक है। तो देखो, तो बल गुणा दूरी, अब जो बल है, बल की विमा लगाओ यहाँ पे, यह आ जाएगी M1 L1 और T-2 इंटू दूरी, दूरी मीन्स लंबाई यानी L1, दोनों गुणा